আৰু 11 বাজিল এই মুহূৰ্তত আৰু ইয়াৰ লগে লগে সংসদত আৰম্ভ হ'ল অধ্যক্ষ নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া ভোট যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে এন ডি এ আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ মাজত এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী ওম বিৰলা আৰু বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে কে সুৰেশ এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ सभा सदों माननीय अध्यक्ष जी ऑनरेबल मेंबर्स द सेक्रेटरी जनरल विल नाउ कॉल द नेम्स ऑफ द मेंबर्स हु हैव नॉट टेकन ओथ और अफर्मेशन जम्मू एंड कश्मीर श्री अब्दुल रशीद शेख केरला श्री शशि थरूर पंजाब श्री अमृतपाल सिंह वेस्ट बंगाल श्री एस के नूरुल इस्लाम Next. श्री अधिकारी दीपक देव নমস্কার আমি দীপক অধিকারী দেব লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিয়া চলিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে চলিয়াছি তা আমি বিশ্বস্তভাবে নির্বাহ করিব ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের প্রত্যেকটা মানুষকে ধন্যবাদ আমাকে তিনবারের জন্য জিতানোর জন্য জয় হিন্দ জয় বাংলা ধন্যবাদ শ্রী शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा ऑनरेबल मेंबर्स आई हैव रिसीव्ड 16 नोटिसेस ऑफ मोशंस फॉर इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑल द नोटिसेस आर इन ऑर्डर नाउ वी विल टेक अप द मोशंस फॉर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा I call upon Prime Minister Sri Narendra Modi to move the motion. महोदय मैं प्रस्ताव कि श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए राजनाथ सिंह टू सेकेंड मोशन महोदय आपकी अनुमति से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं श्री राजीव रंजन सिंह अलैस लालन सिंह अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी जो लोकसभा के माननीय सदस्य हैं इस सदन के अध्यक्ष के रूप में उनके नाम का मैं प्रस्ताव करता हूं
Dr. Rajkumar Sangwan to second the motion. चल रहा है महोदय, मैं श्री ओम बिरला जी जो इस सदन के सदस्य हैं उनको अध्यक्ष के रूप में अपना समर्थन देता हूं। श्री जीतन राम मांझी, अध्यक्ष महोदय, हम श्री ओम बिरला जी को जो मेंबर के हाउस हैं उनको स्पीकर के रूप में चुनने के लिए प्रस्ताव देता हूं। श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का माननीय जीतन राम मांझी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। श्री अमित शाह, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री नितिन जयराम गडकरी टू सेकंड द मोशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस सभागृह, आदरणीय अमित शाह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ। श्री जादव प्रताप राव गणपत राव। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि माननीय श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य है इनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री दत्तरे सुनील दत्तरे। आई सपोर्ट अ मोशन मूव बाय प्रताप राव जाधव। श्री चिराग पासवान। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री जयंत बासु मातारी टू सेकेंड द मोशन। आई राइज टू सेकेंड द मूव बाय श्री चिराग पासवान दैट श्री ओम बिरला ए मेंबर ऑफ द हाउस be chosen as the speaker of the house. Thanks. Shri HD Kumaraswamy. I propose Shri Om Birla ji for the speaker election. Shri Balashwari Ballabaneni ji as a speaker of this house. Shri Kinjarappu Rammohan Naidu. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ओम बिरला जी को जो इस सदस्य सदन के सदस्य हैं उनको अध्यक्ष के रूप में चुना जाए ये प्रस्ताव में रखता हूं। श्री लवु कृष्णा देवरायलु। डॉक्टर इंदिरा हंग सुबा टू मूव द मोशन। I rise to move the motion that Sri Om Birla, a member of this house, be chosen as the speaker of this house. Sri Fani Bhushan Chaudhary to second the motion. Honorable Speaker, sir, I second the motion. Srimati Anupriya Patel. Adhyaksh Mahoday, main prastav karti hu ki Sri Om Birla ji जो इस सभा के सदस्य हैं उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री किशन पाल। श्री कृष्ण पाल। उदय, मैं इसका समर्थन करता हूं। श्री अरविंद गणपत सावंत।
to move the motion? Item number 12. Mic is not working. Sir, Honorable Chairman, sir, that Sri Kodikunil Suresh, a member of this house, be chosen as the Speaker of the House, sir. Thank you. Sri N.K. Premchandran, to second sir, the motion. Sir, I second the motion moved by my learned friend, Sri Anand Sir. To nominate Sri K. Suresh as the Speaker. Anand Bhadauria, to move the motion. महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री के सुरेश जी जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाए. श्री तारिक अनवर टू सेकंड द मोशन. हाँ महाशय, जो प्रस्ताव अभी रखा गया है के सुरेश जी के लिए उनको सदन का अध्यक्ष चुना जाए, मैं उसका समर्थन करता हूं. श्रीमती सुप्रिया सुले. Sir, I would like to move the motion that Sri Kodikunil Suresh, as a member of the House, to be chosen as the Speaker of the House. Srimati Kanimodi Karunanidhi. Sir, I second the motion moved by Supriya Suresh to choose Sri Kodikunil Suresh as the Speaker of the House. Dr. Virendra Kumar to move the motion. Shri Joel Oram to second the motion. मेरा साथी वीरेंद्र कुमार जी ने जो प्रस्ताव दिया है उसको मैं समर्थन करता हूँ. Professor S.P. Singh Baghel. That Sri Om Birla, the member of this house, be chosen as a speaker of this house. Sri Pankaj Chaudhary to second the motion. Okay, I am Professor S.P. Singh Baghel ji ke prastav ka samarthan karta hu. Srimati Annapurna Devi to move the motion. Sir, main prastav karti hu ki Sri Om Birla jo is sabha ke sadasya hain unko is sabha ke adhyaksh ke roop mein chuna jaye. श्रीमती कमलजीत शरावत टू सेकंड द मोशन. आदरणीय महोदय, मैं इस प्रस्ताव को सेकंड करती हूँ. आई नाउ पुट द मोशन मूव्ड बाय श्री नरेंद्र मोदी एंड सेकंडेड बाय श्री राजनाथ सिंह टू द वोट ऑफ द हाउस. द क्वेश्चन इज दैट श्री ओम बिरला, ए मेंबर ऑफ दिस हाउस, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Sri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. Since the first motion moved by Sri Narendra Modi has been adopted, the motions moved thereafter have become infructuous. I invite Sri Om Birla to occupy the chair. इन्होंने डिवीजन फोर्स नहीं किया है इसलिए. वी हैव ऑलरेडी क्रॉस दैट स्टेज. आई इनवाइट श्री ओम बिरला टू कम अप एंड ऑक्युपाई द चेयर. ওম বিড়লা লোকসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হল, মৌখিক ভোটত নির্বাচিত হয় ওম বিড়লা. ওম বিড়লা লোকসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয় কে সুরেশ আর ওম বিড়লার মাজত ভোটযুদ্ধ লগতে মৌখিক ভোট, আর এই মৌখিক ভোটত নির্বাচিত হল ওম বিড়লা.
অষ্টাদশ লোকসভাৰ পুনৰবাৰ অধ্যক্ষৰ আসনত অধিষ্ঠিত হ'ল ওম বিৰলা। 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো অধ্যক্ষ পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল ওম বিৰলা। ৰাজস্থানৰ কোটা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ একেৰাহে তিনিবাৰকৈ নিৰ্বাচিত হৈছে সংসদলৈ। মৌখিক ভোটত নিৰ্বাচিত হৈ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অধ্যক্ষৰ আসন অলংকৃত কৰিলে ওম বিৰলাই। নিউজ ৰুমৰ পৰা আমাৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। পাৰ্থ, অৱশেষত মৌখিক ভোটত ফলাফল আহিল, ওম বিৰলাই পুনৰ অৱধাৰিতভাৱে অধ্যক্ষৰ আসনত অধিষ্ঠিত হ'ল। জয়ন্ত, এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, অধ্যক্ষৰ আসনত অধিষ্ঠিত হ'ল ওম বিৰলা। অৱধাৰিতভাৱে ওম বিৰলা অধ্যক্ষৰ আসনত অধিষ্ঠিত হ'ল। আজি যি কাৰ্যক্ৰমণিকা আৰম্ভ হৈছিল, সেই কাৰ্যক্ৰমণিকাত প্ৰথমতে টি এম চিৰ এজন সাংসদে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল। যি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰস্তাৱৰ যোগেদিয়ে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ওম বিৰলাই স্পীকাৰ হ'ব লাগে এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে এন ডি এৰ সহযোগী দলসমূহে এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিলে আৰু এন ডি এৰ সহযোগী দলসমূহে ওম বিৰলাৰ প্ৰস্তাৱ ৰখাৰ পিছতে সেই প্ৰস্তাৱৰ সমৰ্থনো আন আন এন ডি এৰ সহযোগী দলৰ সাংসদসকলে বা বিজেপিৰ সাংসদসকলে কৰিছিলে। তাৰ সমান্তৰালকৈ কে সুৰেশৰ নামটোৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল বিৰোধীয়ে আৰু সেই নামটোৰো সমৰ্থন বিৰোধীৰ সাংসদসকলে জনাইছিলে আৰু তাৰপিছত মৌখিক ভোট আৰম্ভ হৈছিল আৰু মৌখিক ভোটত যিধৰণে স্পীকাৰ প্ৰটেম স্পীকাৰে মৌখিক ভোট আৰম্ভ কৰিছিল, সেই মৌখিক ভোটত তেওঁ সুধিছিলে ওম বিৰলাৰ সমৰ্থনকাৰী কিমান আছে। তেতিয়া শাসক দলৰ প্ৰতিনিধিসকলে আইজ বা যি সমৰ্থনৰ কাৰণে যি শব্দ উচ্চাৰণ কৰে সেই শব্দ উচ্চাৰণ কৰিছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে ওম বিৰলাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰাসকলৰ মৌখিক ভোট বিচাৰিছিলে স্পীকাৰগৰাকীয়ে। তেতিয়া নো যি এটা শব্দ উচ্চাৰণ কৰে সেই শব্দ বিৰোধীয়ে উচ্চাৰণ কৰিছিল কিন্তু সিদ্ধান্ত ল'লে প্ৰটেম স্পীকাৰগৰাকীয়ে সমৰ্থন দিয়াসকলৰ সংখ্যা বেছি বুলি তেওঁ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি ওম বিৰলা যে স্পীকাৰ হ'ল সেই কথা ঘোষণা কৰিলে। অৰ্থাৎ অষ্টাদশ লোকসভা অৰ্থাৎ 18 সংখ্যক লোকসভাৰ পুনৰ স্পীকাৰ ওম বিৰলা আৰু ভাৰতৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰত 25 বছৰৰ পিছত এজন সাংসদ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে স্পীকাৰ হৈছে। ইয়াৰ আগতে বলৰাম জাখৰ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে স্পীকাৰ হৈছিলে। ওম বিৰলা দ্বিতীয়জন সাংসদ যোৱা 25টা বছৰত যি দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে স্পীকাৰ হৈছে, অৰ্থাৎ 17 সংখ্যক লোকসভাৰো তেওঁ স্পীকাৰ আছিলে আৰু এতিয়া 18 সংখ্যক লোকসভাৰো তেওঁ অধ্যক্ষ। আৰু কুড্ডি কুনিল সুৰেশ, কংগ্ৰেছ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী, কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী, তেওঁ পৰাজিত হৈছে। ডিভিজন বিচাৰিছিলে বিৰোধীয়ে, ডিভিজন গ্ৰহণ নকৰিলে প্ৰটেম অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। তেওঁ ক'লে ইতিমধ্যে তেওঁ মৌখিক ভোটৰ দ্বাৰাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু স্বাভাৱিকতে বিৰোধীৰ সংখ্যা কম আছিলে, শাসক দলতকৈ বিৰোধীৰ সংখ্যা কম আছিলে। শাসক দলৰ সংখ্যা আছিলে 293 জন, ইয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধীৰ সংখ্যা 233 জন। ইয়াৰে বহুকেইজন বিৰোধীয়ে শপত লোৱা নাছিলে। গতিকে তেনেস্থলত অৱধাৰিতভাৱে হাঁহিমুখীয়া ওম বিৰলাই। নিশ্চয় পাঠ সংযুক্ত হৈ থাকক, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাষণ পোনপটীয়াকৈ আগবঢ়াইছো। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा आपके इच्छाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है।
मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री बलराम जाखड़ जी वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उसके बाद आप हैं जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर हासिल होने का अवसर मिला। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में ज्यादातर हमारे सभी माननीय सांसद आपसे परिचित हैं, आपके जीवन से भी परिचित हैं, और पिछली बार मैंने इस सदन में आपके संबंध में काफी कुछ बातें रखी भी थी और मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक सांसद के रूप में और हम सभी सांसद के रूप में आप जिस प्रकार से एक सांसद के नाते काम करते हैं ये भी जानने योग्य है और बहुत कुछ सीखने योग्य है। मुझे विश्वास है कि आपकी कार्यशैली एज अ सांसद भी हमारे जो फर्स्ट टाइमर सांसद हैं, हमारे युवा सांसद हैं, उनको जरूर प्रेरणा देगी। आपने अपने कार्यक्षेत्र में संसदीय क्षेत्र में स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु एक कमिटमेंट के साथ जो अभियान चलाया है और सुपोषित मां इस अभियान को आपने जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में प्राथमिकता देकर के खुद को इन्वॉल्व करके किया है वो वाकई प्रेरक है। आपने कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल ऑन मिल्स ये भी एक मानव सेवा का उत्तम काम जो राजनीतिक कामों के सिवाय करने वाले कामों में आपने चुना है वो भी अपने आप में गांव-गांव लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मदद कर रहा है। आप नियमित रूप से गरीबों को कपड़े कंबल मौसम के अनुसार छाता की जरूरत है छाता जूते ऐसे अनेक सुविधाएं समाज के आखिरी तबके के जो लोग हैं उनको खोज कोर करके पहुंचाते हैं। खेलों में प्रोत्साहन देना आपके क्षेत्र के युवकों में यह आपने एक प्राथमिकता के रूप से काम उठाया है। आपके पिछले कार्यकाल में 17वीं लोकसभा में मैं कहता हूं कि संसदीय इतिहास का वो स्वर्णिम कालखंड रहा है। आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए आपकी अध्यक्षता में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है और भविष्य में 17वीं लोकसभा के संबंध में जब विश्लेषण होंगे उसके विषय में लिखा जाएगा।
तो भारत के भविष्य को नई दिशा देने में आपके अध्यक्षता वाली 70वीं लोकसभा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 70वीं लोकसभा में नारी शक्ति मंदन अधिनियम 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास विधेयक, सामाजिक आर्थिक और राष्ट्रीय महत्व के ऐसे कितने ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कानून 17वीं लोकसभा में आपकी अध्यक्षता के अंदर इस सदन ने पारित किए हैं और देश के लिए एक मजबूत नींव बनाई है। जो कार्य आजादी के 70 साल में नहीं हुए, आपकी अध्यक्षता में इस सदन ने इसको करके दिखाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की लंबी यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब हमें कीर्तिमान स्थापित करने का सौभाग्य मिलता है। 17वीं लोकसभा में उपलब्धियां, मुझे पूरा विश्वास है देश आज भी और भविष्य में उसका गौरव करेगा। आज देश अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में जब हर तरह से प्रयास हो रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये नया संसद भवन भी अमृतकाल के भविष्य को लिखने का काम करेगा और वो भी आपके अध्यक्षता। नए संसद भवन में हम सबका प्रवेश आपकी ही अध्यक्षता में हुआ और आपने संसदीय कार्यप्रणाली को प्रभावी और जिम्मेदार बनाने का कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और इसलिए लोकतंत्र को मजबूती देने में मदद मिली है। लोकसभा में हम पेपरलेस डिजिटल व्यवस्था से आज काम कर रहे हैं। पहली बार आपने सभी माननीय सांसदों को ब्रीफिंग के लिए एक व्यवस्था खड़ी की, इससे सभी माननीय सांसदों को भी आवश्यक रेफरेंस मटेरियल मिला, उसके कारण सदन की चर्चा अधिक पुष्ट हुई और ये आपका एक अच्छा इनिशिएटिव था जिसने सांसदों में भी विश्वास पैदा किया था, मैं भी कुछ कह सकता हूँ, मैं भी अपने तर्क दे सकता हूँ, एक आपने अच्छी व्यवस्था को विकसित किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, G20 भारत की सफलता के एक महत्वपूर्ण पृष्ठ है, लेकिन बहुत कम चर्चा हुई है वो है P20 और आपके नेतृत्व में G20 देशों के जो पीठासीन अधिकारी हैं, स्पीकर्स हैं, उनका सम्मेलन आपकी अध्यक्षता में हुआ और अब तक P20 के जितने सम्मेलन हुए हैं उसमें ये ऐसा अवसर था कि दुनिया के सर्वाधिक देश आपके निमंत्रण पर भारत आए और बहुत ही उत्तम प्रकार के निर्णय उस समिट में हुए और उसने विश्व में भारत की लोकतंत्र की जो प्रतिष्ठा है उसको गौरव देने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है।
आदरणीय अध्यक्ष जी, ये हमारा भवन ये सिर्फ चार दीवारें नहीं है, हमारा ये संसद 140 करोड़ देशवासियों की आशा का केंद्र है। संसद की कार्यवाही, जवाबदेही और आचरण हमारे देशवासियों के मन में लोकतंत्र के प्रति जो उनकी निष्ठा है उसको और अधिक मजबूत बनाता है। आपके मार्गदर्शन में 17वीं लोकसभा उसकी प्रोडक्टिविटी 25 साल के हाईएस्ट लेवल पर 97% रही और इसके लिए सब माननीय सदस्य तो अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन आप विशेष अभिनंदन के अधिकारी हैं। कोरोना जैसे मुश्किल कालखंड में आपने हर सांसद से व्यक्तिगत फोन पर बात करके उनका हाल पूछा, कहीं किसी सांसद की बीमारी की खबर आई तो आपने सदन के अध्यक्ष के नाते व्यक्तिगत रूप से उसकी चिंता की, और वो सभी दल के सांसदों से जब मुझे सुनने को मिलता था मुझे बड़ा गर्व होता था कि जैसे आप इस सदन के परिवार के मुखिया के रूप में उस कोरोना कालखंड में भी व्यक्तिगत चिंता करते थे। कोरोना काल में भी आपने सदन का काम रुकने नहीं दिया, सांसदों ने भी आपके हर सुझाव को सर आंखों पर चढ़ाया, किसी को ऊपर बैठने के लिए कहा तो वो वहां जाके बैठा, किसी को दूसरे जगह पे जाके बैठने के लिए कहा तो वो भी बैठा, लेकिन देश के काम को किसी ने रुकने नहीं दिया। लेकिन आपने ये जो फैसले किए उसका परिणाम है कि हम उस कठिन कालखंड में भी कार्य कर पाए, और ये खुशी की बात है कि कोरोना काल में सदन ने 170% प्रोडक्टिविटी, ये अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब चाहते हैं कि सदन में आचरण, सदन के नियमों का पालन हम सब करें, और आपने बड़े सटीक तरीके से, संतुलित तरीके और कभी कभी कठोरता के साथ भी फैसले लिए हैं। मैं जानता हूं कि ऐसे निर्णय आपको पीड़ा भी देते हैं, लेकिन सदन की गरिमा और व्यक्तिगत पीड़ा के में आपने सदन की गरिमा को पसंद किया और सदन की परंपराओं को बनाने का प्रयास किया, ये साहसपूर्ण काम के लिए भी आदरणीय अध्यक्ष जी आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे विश्वास है आदरणीय अध्यक्ष जी आप तो सफल होने ही वाले हैं, लेकिन आपकी अध्यक्षता में यह 18वीं लोकसभा भी बहुत सफलतापूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को पूर्ण करेगी। मैं फिर एक बार आपको इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले इस सदन की अध्यक्षता के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री राहुल गांधी जी, स्पीकर सर, आई लाइक टू कंग्रेचुलेट यू for your successful election, for the second time that you have been elected. I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker, sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker, sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people.
And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker, sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker, sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. Yeah. So the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the Constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker, sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. Sri Akhilesh Yadav.